नमस्ते बालकों, तो आज मैं अर्चित नंदा आईआईटी बॉम्बे का छात्र आपको पढ़ाऊंगा प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और यह कक्षा 7 का एक अध्याय है। तो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में हम कई चीज़ें देखते हैं, जैसे ऊंची इमारतें या फिर छोटी चीज़ें जैसे हमारे कमरे में पड़ा हुआ लकड़ी का मेज़। इन सब चीज़ों को बनाने से पहले हमें कागज़ पर उनका पूरा नक्शा तैयार करना पड़ता है और उसमें हमारी मदद करते हैं प्रायोगिक ज्यामिति। तो पाठ का उद्देश्य, इस पाठ में हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना सिखाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक रेखा दे देता हूँ और उसी कागज़ पर किसी और स्थान पर एक और बिंदु दी गई है, तो उस बिंदु से निकलने वाली एक रेखा जो कि हमारी पहले दी हुई रेखा के समांतर है, वह कैसे बनाई जाए आपको यह सिखाएंगे। इसके पश्चात हम त्रिभुजों के गुणों तथा भुजाओं वाले अध्याय को याद करेंगे और उसमें देखेंगे हमने क्या पढ़ा था, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि दिए गए माप समूहों की सहायता से त्रिभुज का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा कैसे खींचें जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे संभव है, पर हम एक प्रकार तथा एक रूलर की मदद से देखेंगे कि हम ये कैसे बनाएंगे। और कोई दो समांतर रेखाओं को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। तो आज हम सीखेंगे ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस। तो इस पाठ में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वह चित्रों के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पाठ का नाम ही प्रायोगिक ज्यामिति है और रोजाना जिंदगी में हमें जो दिखता है उसे पढ़ना तथा याद रखना और समझना सबसे आसान होता है। तो अब हम देखेंगे कैसे दो समांतर रेखाएं खींचें। तो सबसे पहले एक रेखा L लीजिए और उसके बाहर कोई स्थित एक बिंदु A लीजिए। अब रेखा L पर ही एक अन्य बिंदु B लीजिए और A को B से जोड़ने वाली रेखा बनाइए, जैसा कि हमने चित्र 2 में दिखाया। इसके बाद बिंदु B को केंद्र मानकर और कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर L को C पर और B A को D पर काटने वाला एक चाप खींचिए, जैसा कि हमने चित्र 3 में दिखाया है। अब A बिंदु को केंद्र मानते हुए और चित्र 3 वाला ही त्रिज्या लेते हुए AB को G पर काटने वाला एक चाप EF खींचिए, जैसा कि हमने चित्र 4 में दिखाया है। अब प्रकार के नुकीले सिरे को C पर रखिए और इसे खोलकर इतना कर लीजिए कि जो पेंसिल का नोक है वह D पर रहे। अब G को केंद्र मानकर और प्रकार का खुलाव उतना ही रखते हुए जितना हमने पहले रखा था, एक चाप खींचिए जो चाप EF को H पर काटे। अब AH को मिलाते हुए एक रेखा M खींचिए, तो जो रेखा L है तथा रेखा M है वह दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। अब हम देखते हैं इसमें समांतर रेखा में हम जानते हैं कि कोई दो अंतःकोण हैं, तो वो है दोनों कोण बराबर होने चाहिए। तो जब हमने उन दोनों के खुलाव को बराबर रखा था तभी हमने ये निश्चय कर लिया था कि हमारा जो कोण CBD है तथा हमारा कोण HAG है वह दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तथा हमारी रेखाएं समांतर बनेंगी। तो इससे पहले कि हम त्रिभुजों की रचना के बारे में पढ़ें, हम एक बार त्रिभुजों के गुणों तथा भुजाओं वाले अध्याय को याद कर लेते हैं। फिर से हम चित्रों के माध्यम से देखेंगे। तो चित्र 1 में आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के बाह्य कोण उसके दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कोण 3 कोण 1 और कोण 2 के योगफल के बराबर है। इसके बाद चित्र 2 में देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब कोण 1 कोण 2 तथा कोण 3 का योग 180 डिग्री के बराबर है। इसके पश्चात चित्र 3 में हम देखते हैं त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, मतलब कि A और B का योग C से अधिक है। इसी प्रकार A और C का योग B से अधिक है और B और C का योग A से अधिक है। इसके बाद चित्र 4 में हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब है A और B का जो वर्ग है
उसका योग सी के वर्ग के बराबर है। तो पीछे हमने त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में पढ़ा। अब एक त्रिभुज को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित माप समूहों में से कोई भी एक दिया हो तो हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले या तो हमें वह तीन भुजाएं दे सकते हैं, या फिर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तीसरे नंबर पर हमें अगर वह दो कोण और उसके बीच की भुजा दे दें तो भी हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। और या फिर समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक पाद दें, या फिर हमें दोनों पाद दे दें तो हम उन दोनों पाद का इस्तेमाल करके और पाइथागोरस गण लगा के कर्ण निकाल सकते हैं और हम समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। एक त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हों, इसे कहते हैं SSS कसौटी, और S साइड के लिए कहा जाता है, तो साइड 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 कसौटी। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से पढ़ेंगे, तो इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे जबकि AB 5 सेंटीमीटर के बराबर है, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने पीछे देखा, हम SSS कसौटी की सहायता से त्रिभुज ABC का निर्माण करेंगे। तो दी गई मापों की सहायता से हम पहले एक रफ आकृति बना लेते हैं जिससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, जैसा कि हमने चित्र एक में दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज का निर्माण। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचेंगे, जैसा कि हमने चित्र 2 में दिखाया है। अब हम जानते हैं कि बिंदु B से बिंदु A 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः B को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे, जैसा कि चित्र 3 में दिखाया है। अब A इस चाप पर ही कहीं स्थित है, एक बिंदु है, तो हम इस बिंदु A को जानने के लिए त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप की सहायता लेंगे। इसके बाद हम बिंदु C से बिंदु A की दूरी 7 सेंटीमीटर है, हम यह भी जानते हैं, अतः C को केंद्र मानकर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे, जैसा कि हमने चित्र 4 में दिखाया है। हम यह भी जानते हैं कि A इसी नई बनाई गई चाप पर ही कहीं पर स्थित होगा। तो हमने जाना कि A इन दोनों खींचे गए चापों पर ही स्थित है, अतः यह इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इन चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को A से अंकित करेंगे और हम AB और AC रेखा को जोड़ेंगे। अब हमारे पास त्रिभुज ABC तैयार है। तो आइए देखते हैं कि हम SSS कसौटी का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक अन्य त्रिभुज DEF किसी कागज पर हम इसकी रचना करेंगे और कैंची के इस्तेमाल से हम DEF को काट देंगे। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC एक दूसरे को परिपूर्णता ढक लेते हैं, अर्थात उसके साथ संपाति हो जाते हैं। इस प्रकार यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। यह SSS सर्वागसमता नियम कहलाता है, जिसे हमने पिछली अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम SSS कसौटी का इस्तेमाल और भी कई जगह कर सकते हैं, जैसे कि चतुर्भुज की प्रायोगिक ज्यामिति के अध्याय में भी हम देखेंगे कि हमने SSS कसौटी का इस्तेमाल किया है। धन्यवाद।